अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं। दिस वीडियो इज अबाउट देसी घी इन माय हेयर। आप थंबनेल में देख तो लिया हुआ है और इसका ऑनेस्ट रिव्यू है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैंने पूरी वीडियो में आपको लगाते हुए भी दिखाया है और उसके आफ्टर वॉश ये नज़र आ रहा है। इट्स अ रियली रियली सॉफ्ट एंड नाइस फीलिंग। बालों में एकदम से मुझे वॉल्यूम फील हो रहा है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे कंडीशनर लगाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट और क्या फीलिंग आती है वैसी फीलिंग नहीं है। इट्स अ नाइस फीलिंग, आई मीन कंडीशनर की फीलिंग बुरी नहीं है, बट इट्स अ बिट बेटर फीलिंग कह लें। और मैंने इस वक्त कोई भी टूल्स वगैरह नहीं बालों पर अप्लाई किए, मैंने सिर्फ ब्रश से इसको टॉवल ड्राई किया और हल्का सा ब्लो ड्राई करके तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई किया है। सो वीडियो इंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली जिन्होंने देसी घी बनाना सीखा होगा, हमारे इंसेस्टर्स के भी इंसेस्टर्स के इंसेस्टर्स, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, प्यार और अच्छी विशेस, वो जहाँ भी हों खुश हों। क्योंकि देखिए ये उनकी रेमेडीज है जो हम भूल गए और हमने अब दोबारा ट्राई करनी शुरू की है, तो इट्स रियली हेल्पफुल। फिर समझ आता है कि कच्ची लस्सी से बाल धोने के लिए क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता था कि घी लगाओ बालों में, देसी घी अप्लाई करो। ये मैंने बचपन में रेमेडीज़ नहीं कहते, टोट के सुने हुए हैं बट कभी अप्लाई नहीं किए। बट अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इस दफ़ा मैंने मतलब बालों पर भी अप्लाई किया है, खाना भी शुरू किया हुआ है, स्किन पर अप्लाई भी करना शुरू किया हुआ है। सो बालों के लिए तो 100% रिकमेंडेड, स्किन के लिए और जो इनटेक मैं कर रही हूँ उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो मैं किसी और वीडियो में करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं बालों के ऊपर ओपिनियन बना सकी हूँ, बाकी अभी इन प्रोसेस। सो वीडियो एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई क्यों नहीं किया हुआ, इतनी अच्छा कॉन्टेंट मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने तो सीख लिया ये सारा कुछ और मैं साथ साथ कर भी रही हूँ, तो ऑब्वियसली रेमेडीज़ टोटके और जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही थी उसके अलावा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव टू हैव द कॉन्वर्सेशन, जो ये गपशप हो रही होती है ये मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जी ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स करें, थम्स अप कर दें और अपना ख्याल रखें। स्टार्ट करते हैं हम अपने बालों में देसी घी लगाना। अच्छा मैंने ये थोड़े से कंटेनर में निकाला हुआ है, मैं एडम्स का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था एंड आई लव्ड इट, ऑनेस्टली इट वाज सो गुड। आई मीन हर तरह के जो आपके ऑयल्स और पता नहीं जो कुछ भी आता है मार्केट में, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप देसी घी लगाएं। सो मैं ये थोड़ा सा ले कर इसको यहाँ तक अप्लाई कर रही हूँ, रूट्स तक। अच्छा एक और बात है, मैंने नोट किया एक से दो चम्मच बहुत ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा डाल लिया था लास्ट टाइम भी, लेकिन ये देखें अभी इसको मैं हाथ पे रख के, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है तो वो अब मुझे समझ आई कि बड़े बूढ़े क्यों कहते थे बालों में देसी घी लगाए। और मैंने जब लास्ट टाइम अप्लाई किया है तो मैंने बाल वॉश किए थे शैम्पू से और मैंने कोई कंडीशनर नहीं उसके बाद लगाया था, बट मेरे बाल इतने ज़बरदस्त फील हुए थे। लास्ट टाइम मैंने इसको एक घंटे के लिए छोड़ा था बालों में, आज मैं लेट्स सी कितनी देर के लिए छोड़ती हूँ, बट एक घंटा भी वाज सो इफ़ेक्टिव। मैंने जितने भी रिसर्च इस पर किया कि बालों पे अप्लाई करने से पहले, वो सारे रिकमेंड करते थे कि इसको आप एक दो दिन जो है वो, एक ने तो 7 दिन तक जो है वो बाल नहीं धोए थे, बट अब इतना लंबा तो पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट हैक्स ट्रिक्स जो भी कहते हैं, देसी टोटका जो है ना ये वाला, ये तो चलने वाला है लाइफ लॉन्ग इंशाल्लाह। मैंने अपनी डाइट में भी देसी घी को इंक्लूड किया है, आई मीन और बालों पे भी इसका जो मैजिक है ना वो, बल्कि आई थिंक स्किन पे भी अप्लाई करके देखना चाहिए कि स्किन पे क्या इसका इफेक्ट आता है। सो जी इस तरह से करके मैंने सारे बालों में जो है ये देसी घी के 2 या 3 चम्मच जो हैं ये सफिशेंट थे, क्योंकि ये दूर तक अप्लाई होते हैं। इस तरह से करके मैंने इसको कर लिया अप्लाई। थोड़ा सा मैं अपने बालों में करूँगी मसाज,
और आई विल इंश्योर के इक्वल जो है इसकी वो हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन. एंड नाउ आई स्मेल लाइक. अच्छा, साइड इफेक्ट्स इसके मैं बता दूँ. जैसे दवाइयों के पीछे लिखे होते हैं साइड इफेक्ट्स, वो मैं आपको बता दूँ. साइड इफेक्ट्स इसके कोई नहीं है, बट ये होता है कि अगले कुछ दिन आपके बालों में से हल्की सी स्मेल आती रहेगी देसी घी की, बट वो इतना फील नहीं होती है, पता नहीं चलती है. दूसरा, मेरे वॉशरूम में से जो है वो देसी घी की कुछ अर्सा स्मेल आती रही है, और बट इट्स नॉट अ बैड स्मेल, जो कि अल्लाह माफ़ करे हमें कोई इस तरह का मसला है. लेकिन एक चीज़ और जो है, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम अबाउट इट, मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी मैंने ये रीडिस्कवर किया है जो हमारी नानियों दादियों को पता था. तो शी सेड के घर का निकला हुआ देसी घी इस्तेमाल करें. अब अगर आप में से किसी के पास अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करें. मैंने तो जी ब्रांडेड लिया, क्या कहेंगे, एडम्स का लिया है. उसका ये है कि आई एम नॉट श्योर कितने केमिकल्स होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती. बट अगर मिल जाता है फ्रेश या मुझे मिल जाए, कमेंट्स में बताइए अगर कहीं से अवेलेबल हो सकता है, तो मैं भी बिल्कुल फ्रेश जो देसी घी है वो बालों में अप्लाई करूँगी. सो जी, ये मैंने आपके सामने अप्लाई कर लिया देसी घी. अब इसको मिनिमम मैं एक घंटा तक रखूँगी, और उसके बाद जब मैं बाल ड्राई करती हूँ फिर मैं आपको बाल दिखाऊँगी कि क्या डिफरेंस आया. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे जब हम अपने बाल ड्राई कर लेते हैं उसके बाद ना बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं. सो रिकमेंडेड हमेशा ये होता है कि आपने ड्राई बालों को ढेर सारा कंडीशनर लगाना है. बट विद देसी घी, विद दिस प्रोडक्ट, विद दिस अमेजिंग प्रोडक्ट जो हमारे नानियाँ दादियाँ परदानियाँ प्राणियाँ की याद थी, इसके बाद मुझे कोई कंडीशनर नहीं लगाना पड़ा. इसके बाद बाल इतने स्मूथ थे, स्मूथ तो थे ही बट मतलब यू नो ड्राई बिल्कुल नहीं थे, और मतलब टेक्स्चर ऐसा था जैसे फ्लफी और रिच और थिक बाल फील हो रहे थे. तो और उसके बाद जो है मेरे जो चार पाँच दिन तीन चार दिन वॉश मैंने नहीं किया. मैं यूजली हफ्ते में अब दो वॉशेस कर रही हूँ. गर्मियों में ऑब्वियसली वॉश ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेरा सर्दियों में जो है हेयर वॉश वो तकरीबन दो टाइम चला गया था या अभी भी है, क्योंकि अभी भी फरवरी ही चल रहा है. यस, तो अभी ऑब्वियसली होता ही है कि गर्मियों में आपके बालों में उस तरह से डर्ट और ऑयल तो खैर प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन डर्ट वगैरह उस तरह नहीं हो रही होती, या स्वेटिंग बेसिकली नहीं हो रही होती, उस वजह से हेयर जो है वो कुछ दिन ज़्यादा चल जाते हैं. तो चले जी, ये लग गया है. अब मैं इसको एक टाइट सा बन बना लूँगी या एक टाइट सी चुटियाँ बना लूँगी, जैसे पुराने वक्तों में हम बनाते थे बचपन में, जब तेल लगा के अम्मी बनाया करती थी दो चुटियाँ या एक चुटियाँ. तो उसके बाद फिर जब मैं वॉश करके इनको ड्राई करके फिर आपको अपने बाल दिखाती हूँ. टडा. तो अब मैं हेयर वॉश कर चुकी हुई हूँ और मैंने टॉवल ड्राई किए हैं, और एंड में मैंने थोड़ा सा इसको ब्रश के साथ ब्लो ड्राई के साथ स्मूथ कर लिया है. ज़्यादा बिल्कुल हीट नहीं लगाई क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है, तो बस थोड़ा सा स्प्रेड और नहीं वाटर ड्राई किया है. सो अच्छा, बेसिकली अब मैं ये बताऊँगी कि सिंस आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं पहले उसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिवली इवेल्यूएट करती हूँ, उसके बाद मैं पोस्ट करती हूँ. सो दिस वीडियो मेरी ये सेकेंड वॉश है विद आफ्टर देसी घी. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रिकमेंड इट, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी माई फुल टाइम रूटीन नाउ, कि मैं जब भी नहाने से घंटा पहले कम अज़ कम जो है मैंने अपने बालों पर देसी घी स्किन पे बालों पे अप्लाई करना है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी डाइट में भी शुरू किया हुआ है कि मॉर्निंग में विद अ स्लाइस के साथ में जो है वो देसी घी लगा के लाइक मक्खन में खा रही हूँ आजकल. तो उसका अभी मैं इवेल्यूएशन करूँगी कि उसका वेट लॉस हो रहा है या मेरा स्टमक क्लीन हो जाता है, इंटेस्टाइंस क्लीन हो जाती हैं. अभी उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं कर सकती, बट फॉर नाउ आई एम डूइंग दैट. और ये जो हर्बल रेमेडी है, रेमेडी तो नहीं कहेंगे, इट्स लाइक मॉइस्चराइजर बालों के लिए, ये 100% रिकमेंडेड है और पास है और ज़बरदस्त है जी. अच्छा जी, वीडियो बंद करते हुए ये मतलब आखिरी रिमार्क्स जो मेरे होते हैं गुड कुछ अच्छी बातें जो हम करते हैं, उसमें आज की अच्छी बात ये है कि प्लांट अ ट्री. आज की अच्छी बात यही करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा पानी पिएं, पॉजिटिव थाट्स के साथ जिएं,
और आसपास लोगों का ख्याल रखें और सपोर्ट गुड कॉजेज. सिर्फ ये नहीं कि हमने लाइफ लिव करनी है, वी हैव टू फाइंड सम कॉजेज जो हमें अंदर से रेजोनेट करते हैं, उन कॉजेज के साथ अटैच होएं और वैल्यू ऐड करें विदाउट थिंकिंग कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है उससे. जस्ट गिविंग बैक इज़ अ वे ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.